हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑटो क्लिकर ऐप को किस तरीके से यूज़ करेंगे एंड इस ऐप में आप किस तरीके से सेटिंग करेंगे। सारी बातें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के आगे की ओर ले जाते हुए। मैं आपको ऑटो क्लिकर ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, इस ऐप को डाउनलोड करके आपको ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप इस ऐप को जैसे इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको इस स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको गो टू सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस गो टू सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जीएस ऑटो क्लिकर का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन को इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से बैक हो जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा जो एसेसिबिलिटी सर्विस है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर पे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी आपका इनेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको परमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से एक बार क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको ऑटो क्लिकर ऐप में एक ही सर्कल चाहिए तो आपको सबसे ऊपर में जो सिंगल टारगेट मोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि सिंगल पॉइंट मोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको मल्टीपल पॉइंट की ज़रूरत है तो यहाँ पे आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे मल्टीपल पॉइंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है मल्टीपल पॉइंट मोड। तो चलिए हम यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, इस लाइन में आपको एक प्लस वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे जितनी बार क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका उतना राउंड सर्कल बन जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 बार प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमको यहाँ पे 3 राउंड सर्कल देखने को मिल गया। आप यहाँ पे जितनी बार क्लिक करेंगे उतना राउंड सर्कल देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से राउंड सर्कल को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको माइनस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। आप यहाँ पे जितनी बार माइनस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ से उतना राउंड सर्कल डिलीट होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक राउंड सर्कल पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे एक राउंड सर्कल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 100 मिली सेकेंड लिखा हुआ आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली ये आपका ऑटो क्लिकर के स्पीड को बताता है। अगर आप ऑटो क्लिकर ऐप की स्पीड को ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप यहाँ 100 की जगह 40 कर सकते हैं। आप यहाँ पे जितना मन चाहे उतना कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एडवाइस दूंगा, अगर आप यहाँ से 40 से कम करते हैं तो फ्रेंड्स आपका फ़ोन यहाँ पे हैंग हो सकता है। मैं यहाँ पे आपको एडवाइस दूंगा, आप यहाँ पे जब भी स्पीड को रखें तो आप यहाँ से 40 से ज़्यादा ही रखें, यानी कि फ्रेंड्स 60 रख सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पर जितना कम संख्या का प्रयोग करेंगे ना उतना आपका ऑटो क्लिकर की स्पीड ज़्यादा होगा। एंड यहाँ पर आप जितना ज़्यादा संख्या का प्रयोग करेंगे तो ऑटो क्लिकर की स्पीड आपका उतना कम रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 60 दिया तो मेरा ऑटो क्लिकर के स्पीड यहाँ पे उतना नहीं रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 20 कर दूंगा तो ऑटो क्लिकर की स्पीड मेरा और अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मैं आपको बता दूँ, आपने यहाँ पे जो एक नंबर वाले सर्कल पे जितना स्पीड रखा है आपको उतना ही तीनों सर्कल की स्पीड उतना ही रखना है। आपको यहाँ पे कोई भी सर्कल की स्पीड कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सभी सर्कल की स्पीड यहाँ पे सेम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 60 किया, इसीलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बाकी वाले सर्कल पे भी यहाँ पे 60 कर दूंगा। ठीक है, देन उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसी लाइन में एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। आपको सबसे ऊपर में नेवर स्टॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपका ऑटो क्लिकर ऐप हमेशा चलते रहें तो आपको सबसे ऊपर में जो ऑप्शन दिया गया है नेवर स्टॉप, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप ये चाहते हो कि आपका ऑटो क्लिकर ऐप कोई फिक्स टाइम पे ही रनिंग करे तो यहाँ पे आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे टाइमिंग सेट कर लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जितना मिनट तक ऑटो क्लिकर ऐप को रनिंग करवाना चाहते हो आपको यहाँ पे उतना मिनट यहाँ पे सेटिंग कर देना होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आप डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये दोनों सेटिंग करने के बाद आपको सबसे नीचे में एंटी डिटेक्शन
ऑप्शन का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल दिखाई दे रहा है, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसे इनेबल कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड अब फ्रेंड्स हमारा ऑटो क्लिकर ऐप की फुल सेटिंग हो चुका है। अब हम ऑटो क्लिकर ऐप को किसी भी ऐप में यूज़ कर सकते हैं। एंड अब मैं आपको ऑटो क्लिकर ऐप को आप किस तरीके से यूज़ करेंगे मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर अपनी व्हाट्सअप ऐप को ओपन कर लूँगा। तो फ्रेंड्स व्हाट्सअप ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम जिस भी पर्सन को ऑटोमेटिक टाइपिंग करके सेंड करना चाहते हैं हम यहाँ पे उस पर्सन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पर्सन को चॉइस कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको इन सर्कलों को उन लेटर के ऊपर रखना है जो आपको ऑटोमेटिक टाइप करवाना है। जैसे कि अगर मैं ऑटो क्लिकर ऐप में आर को एंड टी को उसके बाद एस को ऑटोमेटिक टाइपिंग करवाना चाहूँगा तो मैं यहाँ पर तीनों सर्कल को उस लेटर के ऊपर में रख दूंगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस लाइन में सबसे ऊपर में आपको एक स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये किस प्रकार से ऑटोमेटिक टाइपिंग हो रहा है। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर टाइपिंग हो रहा है। एंड फ्रेंड्स अगर आप ये चाहते हो कि ये ऑटो क्लिकर ऐप की स्पीड को और भी बढ़ाया जाए तो आपको यहाँ पर इन तीनों सर्कल पर एक एक करके क्लिक कर देना होगा। आप यहाँ पे 60 के जगह आप यहाँ पे 20 रख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको एडवाइस दूंगा आप यहाँ पे 40 से कम ना करें, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप ऑटो क्लिकर ऐप की स्पीड को किस प्रकार से यहाँ पे तेज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसीलिए यहाँ पे आपको 20 करके बता रहा हूँ ताकि मेरा जो ऑटो क्लिकर ऐप की स्पीड है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। तो मैं यहाँ पर सभी सर्कल की स्पीड को यहाँ पर समान कर लूँगा, यानी कि मैं तीनों सर्कल पर यहाँ पर 20-20 रख लूँगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर तीनों सर्कल की जो स्पीड है वो यहाँ पर समान कर दिया। उसके बाद हम यहां पे फिर से स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। एंड फ्रेंड्स अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑटो क्लिकर की स्पीड यहां पे बढ़ चुकी है। इस प्रकार से आप ऑटो क्लिकर ऐप की स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं एंड फ्रेंड्स ऑटो क्लिकर ऐप की सेटिंग कर सकते हैं एंड ऑटो क्लिकर ऐप को यूज कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो की रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी पूछना है एंड इस ऐप से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है हमको इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू वेरी मच।